दोस्तों, अगर आप जीरोधा में, अपस्टॉक्स में, फाइव पैसा में, फायर्स में और आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करवाना है तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करिए। अगर आप इनमें किसी में भी अगर आप अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं हमारे अंडर में, तो हम आपको 10,000 का जो हमारा कोर्स मेटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। प्लस मैं वेलकम टू माई चैनल इंट्राडे प्लेयर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो कि सुपर ट्रेंड पर आधारित है। किसी ने, मैंने सुबह में एक पोल डाला था कि आप नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, स्टॉक के ऊपर या किसी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो सभी लोगों ने स्ट्रेटजी के ऊपर वोट किया था, ज़्यादातर लोगों ने, 85% लोगों ने स्ट्रेटजी के ऊपर वोट किया था। और वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया था कि आप सर सुपर ट्रेंड पर बनाइए, तो उसी लिए मैं सुपर ट्रेंड का स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। आप इसे डिलीवरी में भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग होगा। इंट्राडे के लिए अलग होगा टाइम फ्रेम और डिलीवरी के लिए अलग टाइम फ्रेम होगा। तो दोनों के लिए मैं बताऊंगा और सुपर ट्रेंड भी आप लोग के सामने लगाऊंगा कि सुपर ट्रेंड की इंडिकेटर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे लगाएंगे उसको और कैसे उसको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, मैं तो सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग को इंट्राडे करना है तो इंट्राडे थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि वहाँ पर इंट्राडे में ज़्यादातर पैसे नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर आप पुराने हो जाएंगे तो आप ज़रूर पैसे बना सकते हैं। आप लोग देखते होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में, जैसे कि मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, तो आप लोग को पता होगा कि मुझे प्रॉफिट होता है या नहीं। और आज देखिए, मैंने जसडाल की एक कॉल भी दी थी जो कि टारगेट हमारा हिट हुआ था। 7 रुपये का मैंने टारगेट दिया था और 7 रुपये का स्टॉप लॉस, तो वहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ था। कल भी मैंने एक स्टॉक दिया था, वहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको फ्री कॉल्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं डेली फ्री कॉल्स इंट्राडे की देता रहता हूँ और शॉर्ट टर्म की भी देता रहता हूँ कॉल्स वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और मैं इस पर आप लोगों को लगा कर दिखाऊँगा कि सुपर ट्रेंड कैसे लगाते हैं और हमारा टाइम फ्रेम जो मैं यूज करता हूँ वो कौन सा सुपर ट्रेंड होता है जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ इंट्राडे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर एक है ऑप्शन, 4-5 ऑप्शन आएंगे और वहाँ पे 1D व्यूज और डिस्प्ले और स्टडीज़ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड यहाँ पर आ चुका होगा, देखिए सुपर ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 7 और 3, तो बहुत लोग 10-3, 11-3, 14-3 का लगाते हैं, बहुत लोग 7-3 का ही नॉर्मली लगाते हैं, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ कुछ अलग जो कि होता है। ये 7 हो गया और यहाँ पर मैं दूसरा जो वाला ऑप्शन है 7 के नीचे वाला, यहाँ पर मैं 1 करता हूँ, 7-1, राइट। तो यहाँ पर मैं 7-1 का अगर यूज़ करूँगा तो मुझे ज़्यादा बेटर होगा। जो कि मैं यूज़ करता हूँ वही आप लोग को बता रहा हूँ। और इसमें देखिए कलर है, एक ग्रीन है एक रेड है, तो रेड को रेड रहने देते हैं हम लोग और ये इसको हम कर देते हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सॉरी। या इसके ग्रीन वाले को हम कर देते हैं ब्लू ताकि हमें क्लियर दिखे, क्योंकि ग्रीन तो कैंडल ही होती है और इसलिए क्लियर नहीं दिखेगी। तो चलिए हम इसको डन कर देते हैं। अब देखिए ऊपर हमारा 1D का कैंडल है, एक 1D का ये पूरी कैंडल है और ये हमारा 7-1 का लग गया हमारा इंडिकेटर। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग 7-1 का इंडिकेटर हमारा लग गया है सुपर ट्रेंड का, यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि कहाँ पे हमें बाई कहाँ पर सेल करना है उसको मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। तो इसको देखिए, अगर आप डिलीवरी बेसिस पे काम करते हैं इस पर, तो देखिए ये जब सुपर ट्रेंड का सिग्नल हमें बाई के लिए, यहाँ पर देखिए कितना क्लियर बोल दिया है यहाँ पर कि आप यहाँ पर बाई करिए, राइट। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, तो इसका प्राइस क्या था देखिए, इस वाली कैंडल का प्राइस क्या था हमारा, इसकी क्लोजिंग थी 576 रुपये और 576 रुपये पर ये हमें बाई सिग्नल दे दिया है। तो अब हम इसमें बाई करेंगे 576 रुपये पर। देखिए इसने फिर यहाँ पर हाई कितना बनाया है इस वाली कैंडल पे, 576 रुपये से 768, लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है हमें। फिर हम एग्जिट कब करेंगे, आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 5 से 10%, क्योंकि जब भी ये सेल सिग्नल या बाई सिग्नल का देता है तो हम एंट्री करेंगे तो 5-10% का आपको यहाँ पर रिटर्न इजीली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 30% का टारगेट हमें यहाँ पर ये स्टॉक दिया हुआ है सुपर ट्रेंड का। फिर हम सेल सिग्नल जब बोलेगा यहाँ पर तब हम एग्जिट कर देंगे, अगर आप पेशेंस रखते हैं ज़्यादा टाइम होल्ड करते हैं तो भाई, अदरवाइज आप लोग 5 से 10% का रिटर्न यहाँ पर लेके निकल जाइए। लेकिन अगर आपको होल्ड करना है तो मैं बता रहा हूँ कि फिर जब ये सेल सिग्नल देता है रेड वाली, देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्लोजिंग था 679, अब यहाँ 576 टू 679, लगभग 200 रुपये के प्रॉफिट पर हम यहाँ पे भी छूटेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर थोड़ा देर देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे बाई सिग्नल दिया, अब इसकी क्लोजिंग थी 747, फिर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और फिर देखिए ये स्टॉक 819 रुपये का हाई बनाया, यहाँ पर क्लोजिंग थी 746, 819, यहाँ पर भी लगभग 670 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है, जो कि लगभग 9 से 10% का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है। फिर यहाँ पर सेल सिग्नल देता है तो आप फिर से यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए। तो ऐसा करिए, देखिए यहाँ पर भी एक सेल सिग्नल मिला हुआ है, यहाँ पर देखिए इसकी क्लोजिंग क्या थी 602। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक को सेल करते तो यहाँ पर देखिए बाई सिग्नल मिला है, जो कि है इसका हाई है 590, तो लगभग यहाँ पर भी 15-20 रुपये का आपको रिटर्न मिल चुका है 3-4% का, क्योंकि जब हमें दूसरा सिग्नल, अगर बाई सिग्नल मिलता है तो हम एग्जिट कर देंगे, फिर सेल सिग्नल मिलता है तो हम सेल कर देंगे, फिर बाई सिग्नल मिलता है तो हम बाई कर देंगे। ये हुई डिलीवरी की कॉल। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बाई ऑर्डर बाई कॉल मिला है हम लोग को, जो कि काफ़ी शानदार है। यहाँ पर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग कितनी थी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, 522 रुपये। फिर यहाँ से ये स्टॉक हाई कितना बनाया है 677 रुपये, जो कि लगभग 100 रुपीज़ का है यहाँ पे, तो 14-15% का यहाँ पर भी आपको रिटर्न मिल गया है फिर से। तो आप देखिए जब जब इसने बाई सिग्नल दिया है तब तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कहाँ चला गया ये, चलिए मैं ये इंडिकेटर लगा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लगा कर रखा है, ये मेरा इंडिकेटर है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, आप लोग अगर इसमें डिलीवरी बेसिस पे अगर काम करना चाहते हैं इस इंडिकेटर के थ्रू तो आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी इंडिकेटर 101% काम नहीं करता है 100%, और कुछ फेक सिग्नल भी यहाँ पर मिलते रहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर दो सिग्नल जल्दी जल्दी मिल गए दो ही दिन के अंदर में। ठीक है, और मैं आप लोग को दिखाऊँ तो कहाँ पर दो सिग्नल जल्दी जल्दी मिल गए हैं, काफ़ी दूर दूर ही मिलते हैं ऐसे मैक्सिमम टाइम इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि इंडिकेटर का जो ये होता है ना पॉइंट होता है, ये मेन होता है सेव करने का। 7.3 तो आता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, 7.1 को हम सेट करते हैं, जो कि मैं यूज करता हूँ खुद, और बाकी लोग अलग अलग इंडिकेटर 3-4 इंडिकेटर लोग यूज़ करते हैं, तो इतना ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप नॉर्मली एक इंडिकेटर लगा कर आप काम कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम आपको ये प्रॉफिट ही देगा, जहाँ तक मेरी राय है। अब इसमें इंट्राडे में आप क्या करेंगे, अगर आपको इंट्राडे में इसमें काम करना है तो आपको ये टाइम फ्रेम जो है ये 30 मिनट रखना होगा। ठीक है, मैं 30 मिनट रखता हूँ, देखिए अब आप 30 मिनट पे काम करेंगे, राइट, 30 मिनट पे आप लगभग 1:1 का काम करके टारगेट रख के आप चलेंगे, लगभग जैसे 700 का स्टॉक है तो आप 7 रुपये का यहाँ पर टारगेट रख के चलिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर सेल सिग्नल मिला है, इस कैंडल की क्लोजिंग क्या थी 782, अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं तो देखिए ये स्टॉक कितना नीचे आया है, यहाँ पर इसने लो बनाया है जबकि 693 रुपये का दो दिन में, एक दिन में ही। देखिए अगर आपको इसने 4 जून को आप यहाँ पर सेल किए होते, क्लोजिंग थी 682.83, और इसको बुक कर लिए होते आप देखिए यहाँ पर इसने लो बनाया था 718 रुपये का, देख रहे हैं लगभग 40-50 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ आपको इस इंडिकेटर के थ्रू। फिर देखिए यहाँ पर ये बाई सिग्नल दिया, इस कैंडल की क्लोजिंग है 736, फिर देखिए इसने यहाँ पर हाई बनाया था 754, जो कि हमारा टारगेट हिट हो गया है फिर से। ऐसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ बार बार, हमेशा ये टारगेट ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पर हिट कर देता है। यहाँ पर देखिए इस इंडिकेटर के द्वारा यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी 774 रुपये, राइट, अब इसमें 707 रुपये जोड़ दीजिए 781 रुपये, तो इस कैंडल का देखिए हाई क्या था 818, देखिए शानदार। आप यहाँ पर बाई किए होते तो यहाँ पर टारगेट आपका एकदम आराम से अचीव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस कैंडल के आसपास इसकी क्लोजिंग थी 704 रुपये, इसमें 7 रुपये जोड़ दीजिए तो 11 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है 777 रुपये का ये टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। तो इस इंडिकेटर में आप 30 मिनट का यूज़ करिए इंट्राडे के लिए, और डिलीवरी के लिए आप 1 डे का कैंडल यूज करिए, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा मैक्सिमम टाइम आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।